हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि कुछ लोग कमेंट किए थे, सर अपने लैंग्वेज में बनाइए वीडियो। ठीक है, मैं अपने लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ। तो जैसे कि हम सहायगंज पहुँच चुका है, आप लोग देखते हैं कि सहायगंज ही सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में ये पूरा थोक और फुटकर विक्रेता दोनों चीज़ उपलब्ध रात है। जैसे कि नींबू हो, देखा एकदम सस्ता सबसे बढ़िया नींबू हो और ये फुटकर में भी ले सकते हैं। तो चला वीडियो स्टार्ट करत है। जैसे कि हम लोग हुब्बीगंज बाजार से निकल चुका है। हुब्बीगंज से सब्जी मंडी करीब 5 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हम लोग कई गांव के लोग की सब्जी मंडी है। और ये जितना किसान लोग हैं ना, अपन सब्जी लिए कि बेचते हैं और जितना विक्रेता हैं उस लाए के अपनी छोटी छोटी मार्केट में बेचते हैं, उस खरीद के लाए के। तो जैसे हम लोग के थोड़ा मोड़ा सब्जी लेवे के रहा था, तो 2-3 जनी चला जाए थे और सब्जी लेके चला आए थे। तो देखा जैसे हम निकल चुका ही हम लोग की प्रसिद्ध पुलाव, जैसे बोलो थे कटानी। और ये बाढ़ और बहुत जल्दी आवत है, लेकिन इस समय पुल बन चुका हो, ऐसे कोई बात ना आओ और रोड टूटा उटा ना हो, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड हुआ, तुम बनाने चला जाए। तो जैसे कि हम जाते एकदम देखा पुलिस स्पीड में जाते ही, और लेकिन सिंगल वे रोड है और अगर से दो चार चक्कर आइए तो बहुत दिक्कत होते हैं ट्रैफिक जाम में। तो ये हम लोग की मेन रोड है, ये पकड़ के सीधे जाए जाला। और अब तो इतने बहुत बढ़िया सुविधा हुई है कि बाईपास सीधे आप, जैसे कि तुम्हें मंडी जाएगा तो बाईपास पकड़ के मंडी नहीं करिया और सिटी में जाएगा तो सीधे नहीं करिया। ये एक स्कूल पड़त है, तो पहले ये बहुत टापू रात्रा रात गया तो डर लगा, तो अभी भी वही है, मतलब अभी भी वही खतरा है। तो जैसे कि हमें निकल चुके हैं, देखिए ये बाईपास से सब्जी मंडी के लिए जाते ही ये देखा टर्न हो गया था सब्जी मंडी लेके। देखा ये रोड सीधे जात बा और ऊपर देखा एकदम हाई टेंशन लाइट का जो कि पोल लग रहा है, जैसे खंभा गड़त बा। तो ऐसा ना कि अपने लैंग्वेज में थोड़ा बोल दिक्कत देखा ही हमारे बाज़ार के जो कि सब्जी विक्रेता हैं, बहुत बढ़िया सब्जी बेचते हैं और ताज़ी सब्जी लेकर आवत हैं और बहुत ही अच्छा व्यक्ति हैं। कितना बताई काम बात है, फिर इनके पीछे जिन और हैं ठीक बा, दोनों जिन सतवें जाते हैं, सतवें आवत हैं और सतवें सब्जी बेचते हैं। अभी एक लाख सब्जी लादे हैं, जबकि हम लोग थोड़ी उसी भाषा में कैरेट बोलते हैं, ठीक है, और हम लोग के भाषा में कैरेट ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो निकल चुके हैं, ये देखिए जो भैंस वैंस खरीदते हैं उन लोगों का घर है। यदि आप लोगों का भैंस वैंस चाहिए भैया, ये सस्ते में और बढ़िया से बढ़िया भैंस यहाँ मिल जाएंगी आपको इस रोड पर, जो कि यहाँ काफ़ी दूर तक के प्रसिद्ध हैं यहाँ के लोग भैंस बेचने और खरीदने में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। तो ऐसा है कि आज हम इसलिए अपने लैंग्वेज में बना रहे हैं गांव की, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि सर वीडियो बना रहे हैं आप तो अपनी भाषा या अपनी लैंग्वेज में बनाइए गांव की। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में बनाने के लिए, लेकिन जो गलती हो मुझे माफ़ करना। तो जैसे कि निकल चुका है, देखा आप कुछ टाइम में हम लोग नटौली पहुँचे हैं। तो जैसे कि पहुँच के वीडियो कुछ हम पहुँच यानी काट दे ही, तो सब्जी मंडी में पहुँच चुका है लीवा, लेकिन काफ़ी दूर तक लगभग 20-30 किलोमीटर दूर तक प्रसिद्ध है। कुटान भैंस आ गए, कुटान भै पटेला है और बारी है फूलपुर और इधर खेतासराय और उद्दीन बाज़ार, पत्नी बाज़ार, गार्डन बाज़ार और ये सब जितना आम लोकल बाज़ार, तो भी सब्जी भी लेते हैं और लई आ के अपनी बाजारी में बेचते हैं। किसी की अंबारी में भी भाई छोटी मोटी मंडी लगती है, लेकिन इतना बड़ा मंडी नहीं है सर अंबारी व्यवस्था, लेकिन यहाँ पे जो है नई मंडी बहुत बड़ा व्यवस्था है और यहाँ पे ट्रक से माल आती है। देखिए आप सब्ज़ी का देख लीजिए कि फुटकर विक्रेता है, जो कि हम लोग अंदर गए हैं यहाँ पे, जैसे आपको थोड़ा माल चाहिए तो फुटकर विक्रेता है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा हर एक बिग डाउट सीजन की भी सब्ज़ी आपको उपलब्ध हो सकती है यहाँ पे, मिल सकती है। जैसे कि करमकल्ला सीजन ना हो तो करमकल्ला लला और छिमी लला, छिमी जी के मटर बोल जाला, मटर लेला, खीरा लेला और नींबू लेला, अदरक लेला, बैंगन लेला, कुछ भी ऐसे ले सकत है कि जैसे टमाटर और सूरन और सोवा रही धनिया। भैया इस समय धनिया एकदम आसमान छुए बा, लिया हुए मत, बड़ा महंगा बाटे ठीक बा, थोड़ा खाली समय में गया ही और इस समय भीड़ भाड़ ना बाटे,
सुबह टाइम मंडी में बहुत भीड़ रहा था भैया, तो ये देखा नींबू हुआ, नींबू पे वो छाट छाट के कई वरायटी बना दिए हैं। देखा एक नींबू अलग वरायटी है, ये अलग वरायटी है, ये अलग वरायटी है, ठीक है, तीन चार वरायटी बनाए हैं। और ये अब ये बेची हैं कौनों 5 रुपया कौनों 10 रुपया। ये देखा अदरक हो, अदरक को हम दूठे बना देते हैं, एक सूखा रहा था, एक हल्का हरा रहा था, कच्चा रहा था। ये खीरा हो, देखा ये भैया पता नहीं। और भिंडी हो, भिंडी 40 रुपये किलो इस समय बांटा भैया, बड़ा महंगा भिंडी चलत बा। और आगे देखा आगे में चल रहा भैया अभी नोट तुम्हें लोग के दिखाई, आज हम पहुँच ना पाई फल मंडी, ये बगलिया फलों मंडी बा, वहाँ तक ना पहुँच पाई बात हम। देखा देखा ये सूखा सब्जी बेचते हैं, जैसे ये टमाटर वमाटर देखा लहसुन प्याज वाले अगवा मिली हैं तुम्हें, लहसुन और प्याज अदरक ये सब अगवा मिलते हैं, ठीक है, सूरन वूरन थे, तो वहीं कौन दिक्कत उक्कत ना रहा भैया, क्यों भी जाए आराम से सब्जी उब्जी ले और अपन साइकिल पिला दे ले चला, जैसे थोड़ा मोड़ा ले रखा है तो, और ज़्यादा ले रखा है तो भैया बोरा ले लें, जैसे बोरा ले रखा आलू है, बोरा आलू ले ला सबसे सस्ता रहता है। अभी देखा किसान भाई जैसे जिक्र खेते हैं तंग तंग सब, देखा ये अलग अलग किसान लोग हैं, जैसे कोड़ा लाए हैं कि भिंडी लाए बा कि कुछ लाए बा, तो ऐसा ना कि देख ला भैया ये सब दिन देखे बेचत है ना, ठीक है, तो ये लोग जैसे कि देखा ये जो बेचते थे इन बोरी अपन मिर्ची ले लें गिरा दे हैं, और जो छोटे मोटे काशकार या दुकानदार आवाते हैं मीट खरीद के अपन ले चला जाते हैं। देखा मंडी मंडी से संपर्क रहते हैं और पिकअप तलब के आवत हैं, देखा आलू गिराए हैं हम भी, देखा भैया ऐसे से छोटा छोटा लगाए रहते हैं अपन व्यापार और बेचा करते हैं, ठीक है, ये वरायटी है कस्टमर के दिखावे खातिर भैया, ये आलू की साइज बा, आलू की साइज बा, इसका रेट अलग भाई। देखा आलू के थोक विक्रेता लोग हैं बैठा है, ट्रक से माल आवत है सीधे, ये लोग लाद देते हैं और उतार देते हैं, ये पल्लेदारी करते हैं। अदरक हो, जिसके लहसुन हो, लहसुन 3 वरायटी में लहसुन में, एक बड़ा दाने वाला हो, एक छोटा दाने वाला हो, एक एकदम छोटा दाने वाला हो, ठीक है, तो ये लहसुन में देख ला भैया। और ये देखा ये भैया प्याज बा, प्याजों के 2 किस्म का, एक पूनक प्याज कहते हैं, अठे और कहीं प्याज कही तो भैया। तो आज के लिए इतना, फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक ले नमस्कार, जो गलती हो माफ़ कर जाए भैया।